असिस्टेंट कमिश्नर राज्यकर सचल दलसीमा की कार्यशैली को लेकर व्यापारी हुए नाराज। डिप्टी कमिश्नर राज्यकर चांदपुर के कार्यालय पर पहुंचकर धरने पर बैठे व्यापारी। दरअसल असिस्टेंट कमिश्नर राज्यकर अधिकारी सचल दलसीमा के द्वारा व्यापारियों की दुकान एवं गोदाम पर वाहनों से उतारे जा रहे सामान के बिलों की चेकिंग किए जाने पर व्यापारी उग्र हो गए। नगर की मंडी के निकट व सिलारा रोड के व्यापारी डिप्टी कमिश्नर राज्यकर चांदपुर के कार्यालय पहुंचे तथा जमकर नारेबाजी की। बिजनौर से पहुंचे जॉइंट कमिश्नर विपुल सिंगल ने व्यापारियों के साथ बैठकर वार्ता की। लगभग एक घंटा चली वार्ता में जॉइंट कमिश्नर ने व्यापारियों को विभाग के नियमों से अवगत कराया तथा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र की जानकारी दी। व्यापारियों का आरोप है कि असिस्टेंट कमिश्नर राज्यकर अधिकारी सचल दलसीमा आए दिन व्यापारियों का उत्पीड़न करती है तथा व्यापारियों की दुकान एवं गोदाम के बाहर उतर रहे सामान के बिलों की चेकिंग करती हैं। व्यापारियों ने अधिकारी पर यह भी आरोप लगाया कि सुबह से शाम तक चांदपुर से दिल्ली को दर्जनों डग्गामार बसें चलती हैं। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से लोग टैक्स चोरी करके लाखों रुपए का सामान इन बसों में लाते हैं। डिप्टी कमिश्नर राज्यकर चांदपुर के कार्यालय पर पहुंचने वाले व्यापारी अध्यक्ष संयुक्त व्यापार संघ अरुण कुमार अग्रवाल, भाजपा नेता विकास गुप्ता उर्फ रॉकी, पूर्व सभासद अनुज गुप्ता, विपुल तायल, सुबोध गुप्ता, कपिल चौधरी, वीरेंद्र राजपूत, धीरज एरन, रामदीन अग्रवाल, नाजिम अहमद, बिलाल अहमद, महेंद्र अग्रवाल, अभिषेक गोयल, अर्पित गोयल, नीरज अग्रवाल, अजय मित्तल, अमित अग्रवाल, पंकज गर्ग आदि सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। परिचय, मैं अनुज गुप्ता, संरक्षक एकता व्यापार परिषद। आप यहाँ व्यापार कर कार्यालय पर उपस्थित हैं, क्या मामला है बताएंगे? चांदपुर में जो व्यापारी हमारे व्यापार कर रहे हैं वो गोकुल नगर में, होता क्या है कि जो मैडम GST में हैं, ये डेली दुकान आती हैं और जो गाड़ी लोडिंग हो रही है या अनलोडिंग हो रही है उसके कागज मांगती हैं और फिर अपने ड्राइवर के द्वारा गलवाती हैं कि मुझसे घर पर आके मिलो। तो आज भी उनके द्वारा गाड़ी पकड़ी गई थी जिसके कागज़ सही थे, लेकिन एक हर्समेंट जो व्यापारी का किया जाता है, ऐसा लगता है कि व्यापारी जिन्हें चोर रहेगा जो रोज़ आके खड़ी हो जाती हैं। तो आज हम कुछ व्यापारी यहाँ से बातचीत करने के लिए आए थे, इनके सीटो साहब यहाँ मौजूद थे। सीटो साहब ने कहा कि मैडम 5 मैडम आ रही हैं, 10 मैडम आ रही हैं, और जब मैडम यहाँ पर आई तो मैडम यहाँ से हमें देखने के बाद फिर वापस चली गई। इसका व्यापारियों में आक्रोश है कि हम गर्मी में खड़े हुए थे तो मैडम को हमसे बातचीत करनी चाहिए थी। उसके बाद मैडम आई हैं तो मैडम ने कहा कि जो व्यापारी प्रताड़ित है वो मुझसे मिलेगा, बाकी मुझसे कोई नहीं मिलेगा और तुम इतने सारे व्यापारी क्यों इकट्ठे हो गए हो? तो हमने कहा कि जब एक व्यापारी जो प्रताड़ित है क्या उसके साथ में 10-20 लोग आ नहीं सकते? बोले जो है पहले मुझे बता दें। उसके बाद फिर भी हमें चार व्यापारी मैडम से बातचीत करने के लिए गए तो मैडम ने कहा कि ऐसा क्या इशू हो गया था जो आप लोग मुझे इतनी जल्दी बुलाना चाह रहे थे? मुझे यहाँ गर्मी थी, सब व्यापारी परेशान थे और आपको सीटों कह रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट में आ रहे हैं। तो मैडम कहती हैं कि क्या कोई दुर्घटना घट गई थी किसी व्यापारी के साथ जो मैं एकदम आती? इस बात से आक्रोशित होकर सब व्यापारी बाहर निकल आए वार्ता से और फिर यहाँ चांदपुर के समस्त व्यापारी अपने व्यापार प्रदर्शन बंद करके यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे GST कमिश्नर श्री विपुल सिंगल जी आए हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब जो अब तक ये कर रही थी वो इस तरीके से आपके साथ में नहीं होगा। कुछ व्यापारियों का आरोप है कि ये मैडम सामान अगर गोदाम के दुकान के बाहर उतर रहा है तो उसकी भी चेकिंग करती है, तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? जब दुकान पे माल उतरता हुआ हो या माल की लोडिंग होती हुई हो उस समय इन्हें चेकिंग नहीं करनी चाहिए। ये मोबाइल में है, इन्हें मोबाइल पर ऑन रोड पर चेकिंग करनी चाहिए। यहाँ दिल्ली से 20-25 बसें रोज़ नंबर 2 का माल लेकर आती है जिसके बारे में कई बार इनसे बताया गया कि आप इन्हें पकड़िएगा, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ा जाता है। आप जानते हो कौन ही पकड़ी जाती हैं। अब सवाल ये है कि व्यापारी ने माल लोड करा दिया, लोड कराने के आधे घंटे में कागज बनते हैं। जब गाड़ी लोड हुई दुकान पर खड़ी हुई है, कागज उसके मुनीम तैयार कर रहा है, उस समय उसके पास कागज तैयार नहीं है तो ये कह दिया ये गाड़ी ऑफिस ले चलो। तो इस प्रकार से एक व्यापारी का हस्टमेंट किया जा रहा था जिस संबंध में यह वार्ता करने के लिए हम इनसे आए थे। आज जनपद चांदपुर में कुछ व्यापारी संगठनों का नेताओं का फोन आया था कि सर मैडम सड़क पर दुकान के बाहर गाड़ियों की चेकिंग करती हैं, गोदाम के बाहर चेकिंग करती है, इस तरह से हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। इस संबंध में मैं आया, मैंने व्यापारियों से बात करी तो सबसे पहला प्रश्न ये रखा गया क्या ये जाँच करना उचित है कि नहीं है। इसमें मेरे द्वारा उनको नियमानुसार बताया गया कि जाँच कहीं भी प्रति व्हीकल्स की जाँच करने का दायित्व मोबाइल यूनिट्स को है, वो कहीं भी होगा तो उस पर पेपर जांच करने का अधिकार उनके पास पूरा है। वैट एक्ट GST एक्ट के अंतर्गत
वो कहीं भी अगर वो माल ट्रक पर लदा हुआ है तो उससे संबंधित पेपर्स की जांच की जा सकती है। व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है कि लोकल कस्बे में जनरली इस तरह की जांच से हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर सूचना या कुछ भी और जांच करनी है तो हम उसकी जांच करें। इससे वो संतुष्ट हुए कि बस थोड़ा सा रखा गया कि थोड़ा सा चीज़ों व्यवहारिक स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा मैम अपने रूप में थोड़ा सा वो रखें, इतनी सी बात नहीं। बस एक सवाल हो रहा है जी, कुछ व्यापारियों को ये भी कहना है कि प्राइवेट बसों के द्वारा दिल्ली से माल की आवाजाही की जाती है। ये सूचना हमारे पास भी विगत काफ़ी समय से आ रही थी और मैं जब से आया हूँ हमने लगभग 8 से 10 गाड़ियों पर गाड़ियों की चेकिंग की है। जिन प्रपत्रों के मिले थे उन प्रपत्रों को जैक करके जाने दिया गया, जिन नहीं तो उन पर पूरी जो भी अर्थदंड की कार्रवाई की जा सकती तो कार्रवाई की गई है। ये लगातार शिकायतें मिल रही, लगातार इस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं।